हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक, फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएटेड IIT बॉम्बे एंड वेलकम टू बियॉन्ड लिमिट्स। तो आज एक काफी सीरियस इशू पे बात करेंगे कि भैया 11th खराब हो गई है, अंदर से बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्या मैं अब भी JEE क्लियर कर सकता हूँ? क्या अब भी IIT में पहुंचा जा सकता है? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन हिट करना ना भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स बहुत जल्दी मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, एंड देखने के साथ साथ हमें इम्प्लीमेंट करने पर ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज आप ऐसी 100 वीडियोज और यूट्यूब पर देख लेंगे, पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे किसी को भी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे थे, उनका आंसर है यस, अ बिग यस। भले ही आपकी अभी तक की जर्नी कैसी भी रही हो, पर अगर आज भी आप अगर ठान लेते हो कि मैं JEE 2022 फोड़ूंगा, तो किसी भी IIT पे हाथ रख दो दोस्तों, उस IIT में आप पहुंच जाओगे। बस यू नीड टू वर्क विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क। दोस्तों, कई ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 12th में स्टार्ट करके भी JEE फोड़ा है, तो हमें बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो क्विकली मूविंग ऑन टू द स्ट्रैटेजी जो हमें फॉलो करनी है हमें रेस्ट ऑफ द 12th क्लास के लिए, फर्स्टली डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। हमें 12th में किसी भी तरह बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने देना है। लोग क्या करते हैं कि वो अभी भी 11th को ठीक करने में लगे रहते हैं एंड 12th में नए बैकलॉग्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, एंड किसी भी तरह से हमें ऑनगोइंग टॉपिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, बी वेरी सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक। अब हमें बिल्कुल भी रैंडम मटेरियल के पीछे नहीं भागना है। हर सब्जेक्ट में आप पहले से एक रेफरेंस बुक डिसाइड कर लो और पूरे 12th के लिए हमें उसी रेफरेंस बुक को फॉलो करनी है। लाइक फॉर ऑर्गेनिक आप हिमांशु पांडे या MS जॉन में से कोई एक डिसाइड कर सकते हो, और सिमिलरली फॉर फिजिक्स आप अरिहंत या सिंगेज पे में से किसी एक बुक पे जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं कि पर्टिकुलरली मैंने कौन सी बुक सॉल्व करी थी एंड किस तरह के बच्चों को किस तरह की बुक्स करनी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर JEE मेंस एंड एडवांस, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ऑथर कोई बुक लिखता है तो वो ये सोच के नहीं लिखता कि बच्चा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मेरी बुक से कर लेगा और बचे हुए टॉपिक्स वो किसी दूसरे ऑथर की बुक से कर लेगा। दे ट्राई टू गिव अस द कंप्लीट पैकेज जिससे हमारी पूरी तैयारी हो जाए एग्जाम्स के लिए। तो ये सोचना छोड़ दो कि मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल मटेरियल करने से ही JEE में अच्छी रैंक आती है। अगर आप एक बुक पे भी स्टिक हैं तो आप बहुत अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 11th के बैकलॉग्स किस तरह कवर करने हैं हमें। तो दोस्तों, जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये एकदम बाप स्ट्रैटेजी है, और अगर आप इसे पूरी सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो आप JEE 2020 में पक्का बचा दोगे। तो आपको 11th के सारे टॉपिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, A, B and C। ए कैटेगरी में वो टॉपिक्स आएंगे जिनके कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, जिनमें आपने अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, और मॉक टेस्ट में भी इनके क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाते हैं। बी कैटेगरी में वो टॉपिक्स आएंगे जिनमें अभी भी थोड़ा ग्लिच है और कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स में इतनी क्लैरिटी नहीं है और क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना बाकी है। एंड सी कैटेगरीज में वो टॉपिक्स आएंगे जिन्हें हमें शुरुआत से पूरा करना है। तो दोस्तों, हमें A, B और C कैटेगरी के टॉपिक्स को नंबर को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बी और सी कैटेगरी में कितने भी टॉपिक्स हो, हमें कॉन्फिडेंस रखना है कि हम उन्हें ए कैटेगरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हमें रोज़ 10 से 12 घंटे इंक्लूडिंग अवर कोचिंग क्लासेस इतनी सेटिंग देने की कोशिश करनी है, और इस 10 से 12 घंटों में आपको रोज़ का एक 1.5 घंटे का स्लॉट फिक्स करना है जिसमें आप सिर्फ बी कैटेगरी के टॉपिक्स पे काम करेंगे एंड उन्हें ए कैटेगरी में ले जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम शुरुआत में सी कैटेगरी के टॉपिक्स पे इसलिए काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो आपका पूरा दिन तक लेंगे एंड उनमें हमें थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत है, देन हमें बेसिक से क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है। पर बी कैटेगरी के टॉपिक्स में आपको कहीं ना कहीं थ्योरी क्लियर है और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही आप उनको ए कैटेगरी में कन्वर्ट कर पाओगे।
तो दोस्तों टॉपिक डिसाइड करते समय आप अपनी पसंद के कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक पिक कर सकते हो और उसे बी कैटेगरी में से ए कैटेगरी में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। और हमें ये 1.5 घंटे के स्लॉट के साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, हमें इसे बिल्कुल भी प्रोकेस्टिनेट नहीं करना है कि हम कल कर लेंगे, बिकॉज इस तरह हमारा 11 का बैकलॉग कभी भी कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम बी कैटेगरी कम्प्लीट कर लेते हैं फिर हम सी कैटेगरी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एंड टिप्स जिससे आपकी रैंक बिल्कुल इम्प्रूव हो सकती है। पर मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि सिर्फ वीडियो को सुनने से और आगे बढ़ा देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको इन स्ट्रैटेजीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो ज़रूर से इन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करो और कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। खूब पढ़ते रहो यार और मचा दो।